अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको मिलता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे आज लगभग सभी इंपॉर्टेंट, लगभग 12 से 13 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया? देखिए, अनुकृति वास, मानुषी चिल्लर, या फिर मीनाक्षी चौधरी, या फिर श्रेया राव। जी हाँ, राइट आंसर की बात करें, देखिए ये इसका राइट आंसर है पहला वाला, अनुकृति वास। ठीक है, अनुकृति वास जो कि 19 वर्षीय तमिलनाडु की कॉलेज छात्रा को फिल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेता आयुष्मान खुराना द्वारा आयोजित मुंबई में एक भव्य समारोह में फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज पहना गया। ठीक है, तो ये क्या है, 19 वर्षीय जो तमिलनाडु कॉलेज की छात्रा अनुकृति वास को। अब यहाँ पे देखिए, हरियाणा से मीनाक्षी चौधरी पहली रनअप रही, जबकि आंध्र प्रदेश से श्रेया राव जो कि श्रेया राव कामो रापू, ठीक है, कामो रापू दूसरा रनअप रही। तो ये रनअप आप यहाँ पे पिक्चर में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, और इससे संबंधित ये है कि 1966 में रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले मिस वर्ल्ड, ठीक है, तो 1966 में रीता फारिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसने लॉन्च किया? ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन देखिए क्या है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, फिर प्रकाश जावड़ेकर। जी हाँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक है, ये कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI, ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च किया। पुस्तकालय सभी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए एक मंच है, मतलब यहाँ पे लगभग सभी पुस्तकों का एक मंच है, पुस्तकालय वही है, सब आपको यहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए, उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर से राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मुफ्त में पंजीकरण कर सकते हैं। पुस्तकालय एक NDL.IIKGP.AC.IN के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। पुस्तकालय स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, शिक्षकों और छात्रों के लिए एकीकृत मंच है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको लगभग एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। और इसको लॉन्च किसने किया, तो प्रकाश जावड़ेकर जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पांचवा राष्ट्रीय मानक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, फिर हुआ, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गुजरात, बेंगलोर। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, मानवीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति को कार्यान्वित करते हुए नई दिल्ली में पांचवां राष्ट्रीय मानक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह वाणिज्य और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है, तो ये क्या है, पांचवां नेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, हाल ही में कॉप कनेक्ट नामक मोबाइल आधारित मैसेंजर एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया? कॉप मतलब पुलिस, कनेक्ट मतलब पुलिस का कनेक्शन, यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, या फिर बिहार। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी है, यहाँ पे तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना पुलिस ने राज्य भर में 60,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित कॉप कनेक्ट नामक ऐप, मोबाइल आधारित मैसेंजर एप्लीकेशन लॉन्च किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में कॉप कनेक्ट, इनका लोगो भी देख सकते हैं। अब देखिए, तेलंगाना संबंधित है, तो उससे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर ES लक्ष्मी नरसिंह, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार हैं ये। छठवां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया? आई हरियाली, पर्यावरण, स्वच्छता, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पहला वाला ही यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, आई हरियाली। कौन सा, देखिए, आई हरियाली। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली को बढ़ाने के उद्देश्य से आई हरियाली नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त पौधे ऑर्डर करने में सक्षम बनाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, इसके द्वारा एक तरीके से पहल है उनकी कि जगह जगह, गाँव गाँव तक पेड़ पौधे लगाए जाएँ, जिससे कि हरियाली आए। ठीक है, देखिए, मिशन जो कि टंडरस्ट पंजाब के तहत आई हरियाली ऐप ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया सकता है। उपयोगकर्ता नज़दीकी सरकारी नर्सरी में अपनी पसंद की सैम्पलिंग प्रति व्यक्ति पर अधिकतम 25 की बुकिंग नज़दीकी सरकारी, मतलब यहाँ पे लगभग अधिकतम 25 जो कि बुक करके यहाँ पे सरकारी जो नर्सरी है वहाँ से पा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, पंजाब से संबंधित है, तो यहाँ से आएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह है, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में किसे चुना गया? मेघालय, मदुरै, अमृतसर, या फिर शिलोंग। ऑप्शन देखिए डी होगा, यहाँ पे शिलोंग। जी हाँ, शिलोंग मेघालय की राजधानी शहर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के बाद 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुन लिया गया है। अब तक प्रतिस्पर्धा में 4 राउंड में 99 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था
और इस घोषणा के साथ ही स्मार्ट शहरों का मिशन के तहत 100 शहरों का चयन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन है ये, शिलांग मेघालय की राजधानी। अच्छा, अब देखिए सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी, ठीक है, NHRR की शुरुआत किसने की, अनुप्रिया पटेल, JP नड्डा, प्रकाश सिंह या फिर पीयूष गोयल। यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा यहाँ पे, तो राइट आंसर का JP नड्डा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी लॉन्च किया, जो कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों में प्रमाणित माननीकृत अध्ययनित भूस्थानिक डेटा के साथ देश का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल पंजीकरण होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिक्चर में। ओके, चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे। देखिए इससे संबंधित जो है कि आठवां हमारा करंट अफेयर्स है। देखिए हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, 15 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 18 जून? जी हाँ, तो राइट आंसर इसका 20 जून होगा, क्योंकि विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को लाखों शरणार्थियों की ताकत, साहस और दृढ़ता मापने के लिए आयोजित किया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2018 का विषय नाउ मोर देन एवर वी नीड टू स्टैंड विथ रिफ्यूजीज। इस साल विश्व शरणार्थी दिवस जनता के लिए पलायन करने वाले परिवारों के समर्थन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका जो एक तरीके से विषय है आपको याद रखना है, नाउ मोर देन एवर वी नीड टू स्टैंड विथ रिफ्यूजीज। ठीक है, तो कब मनाया जाता है ये, 20 जून का। अब देखिए यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राज्य अमेरिका के महासचिव हैं, और न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राज्य का मुख्यालय है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। चलिए अब नवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बाहर हो गया, इसराइल, अमेरिका, जापान या फिर कोरिया? तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे राइट आंसर होगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि निकी हेली ने परिषद पर अमेरिकी सहयोगी इसराइल के खिलाफ, ये राइट आंसर का देखिए आंसर, इसराइल के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद से संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम वापस लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिए क्या है, UNHRC जिनेवा स्विट्जरलैंड पर आधारित है, और यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर 47 सदस्य राज्यों का एक निकाय है जो मानवाधिकार को कायम रखने के लिए काम करता है, और ये देखिए 2016 में बनाया गया। ओके, चलिए दसवां क्वेश्चन देखिए, 15वीं वार्षिक एशिया और ओसिनिया क्षेत्र अंतर डोपिंग पर अंतर सरकारी मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ हुई, कैनेडा, चीन, कोलंबो या फिर भारत? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या, जो कि कोलंबो। ठीक है, देखिए 15वीं वार्षिक एशिया और ओनिसिया क्षेत्र अंतर डोपिंग पर अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय बैठक कोलंबो में आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित 29 देशों के प्रतिनिधि थे। 15वीं ऐसी वार्षिक सभा में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वाडा ने महत्वपूर्ण एंटी डोपिंग मुद्दे पर चर्चा के लिए भाग लिया। इसमें मतलब डोपिंग एक तरीके से इसमें लड़ाई से मदद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सर क्रेग रेडी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष हैं, इसका मुख्यालय मोट्रियल कनाडा में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन, जो कि समिट नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर अनावरण किस देश द्वारा किया गया है, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर भारत? तो जी हाँ, राइट आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अमेरिका है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक ने समिट नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक कंप्यूटर का अनावरण किया, जो प्रति सेकेंड 2,00,000,000,000,000,000 गणनाओं को पूरा कर सकता है। ऊर्जा, उन्नत सामग्री और कृत्रिम बुद्धि AI के अनुसंधान के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग शक्ति का प्रदान करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के, जो कि ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। RBI ने बाहरी प्रेषण की जांच करने के लिए सापेक्ष परिभाषा को बदला। ठीक, अब देखिए ये क्या है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की करीबी रिश्तेदारों श्रेणी के तहत विदेशों में भेजे गए धन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक ने रिश्तों के प्रवाह को जांचने के लिए रिश्तेदारी की परिभाषा को कम कर दिया है। ठीक है, इसलिए करीबी रिश्तेदार श्रेणी के रखरखाव के तहत धन केवल माता पिता, पति पत्नी, बच्चों और उनके पति जैसे तत्काल रिश्तेदारों को भेजा जा सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, और देखिए इसमें उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें राज्यपाल हैं, मुख्यालय इसका मुंबई में है, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो देखिए लगभग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों हमने आप तक पहुँचा दिया और लगातार इसी तरह आपको पहुँचाते रहेंगे। आज के प्रश्न पर चलते हैं, आज का प्रश्न सभी को आंसर करना है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस की स्थापना की गई 4 दिसंबर 2000 को, 2 नवंबर 2001 को, 6 नवंबर 2003 को, 5 नवंबर 2005 को, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर करेंगे, लगभग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, आपके लाइक से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स साथ जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बन जाए लगातार वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।